मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा क्योंकि मुंबरा में राहुल गांधी जी का एक ऐसा दौरा हुआ जिसमें सभी लोगों की धड़कनें बढ़ गई क्योंकि उन्होंने लाइव जो है राहुल गांधी जी को देखा। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हैं और आफरीन मैडम, जिस तरीके से आप संघर्ष करके वहाँ मिली थी और आज मुंबरा है, कितनी खुशी है। देखिए, संघर्ष तो राहुल गांधी से मिलने का पूरी जनता को है, जनार्दन को है, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन में 2024 में सब लोग प्रतीक्षा करें कि राहुल गांधी पीएम बने। बट मुंबरा में हम कार्यकर्ताओं को मुंबरा में जगह जगह गली गली कांग्रेस का झंडा, राहुल गांधी का बैनर लहराता हुआ दिख रहा है। तो लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है कि हमारी सरकार वापस से सत्ता में आए। हमारी यही दुआ है और हम सब लोगों की यही दुआ है कि राहुल गांधी जी बहुमत से जीते 2024 में। हम दुआ करते हैं, हमारा रमज़ान मुबारक महीना भी चल रहा है, मुबारक के रमज़ान के मुबारक महीने के सदके में शायद हमारी सरकार आ जाए। हम सबकी यही दुआ है। सुबह से उत्साह है, सारे कार्यकर्ता सुबह से उठ के राहुल गांधी के लिए बड़ी देर से धूप में इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ से निकलते हुए जो उनका शेड्यूल है पद यात्रा का, वो शेड्यूल पे वो निकल पड़े। अच्छा, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी सफल होने वाली है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखिए ऐसे सफल होती है कि लोगों के नफरत की विचारधारा खत्म करके मोहब्बत की विचारधारा फैलाने श्री राहुल जी गांधी निकले हैं। वो विचारधारा लोगों के दिल दिल तक, घर घर तक पहुंची है पद यात्रा में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, जहाँ पर 100 नहीं वहाँ पर 1000 नहीं वहाँ पर 5000 लोग उनके साथ, उनके कदम से कदम मिलाकर ये पद यात्रा न्याय यात्रा को न्याय देने के लिए निकल पड़े हैं। क्या जिस तरीके से एक ऐतिहासिक पल आज का दिन जो है पूरे मुंबरा शहर के लिए रहा है क्योंकि राहुल गांधी जो एक ऐसा चेहरा जो जनता के बीच उतर करके खास तौर पर ये पूरे अपने लोगों के बीच प्यार बांटा और इसी को लेकर अब ये देखना है उनकी न्याय यात्रा किस तरीके से आगे चलती है और किस हद तक लोग जो है जुड़ते हैं। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।